सो गाइस, सीबीएसई ने न्यू सेशन 2021 और 2022 के लिए स्पेशल स्कीम निकाली है फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्लास 10 एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो स्कीम है वो इसलिए बनाई गई है कि किसी भी कंडीशन में, आइदर पॉजिटिव कंडीशन और नेगेटिव कंडीशन, किसी भी सिचुएशन में रिजल्ट बहुत ही फेयर डिस्ट्रीब्यूशन से डिक्लेयर हो पाए। सो हे गाइस, आई एम प्रशांत बैरागी एंड यू आर वॉचिंग सॉल्यूशंस एट ग्लांस। So first of all, make sure that you hit the like button, and if you will subscribe to my channel Solutions at Glance, you will get all academic updates, college counselings and all related material, academic material for boards, JEE Mains, JEE Advanced, BITSET for free. So let's get started. सो गाइस, जो स्पेशल स्कीम है 2021 और 2022 के लिए, वो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, टर्म वन और टर्म टू। टर्म वन का जो होगा, आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा नवंबर दिसंबर 2021 में। उसका जो सिलेबस है वो होगा 50% सिलेबस, और जो सिलेबस है जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आपको जुलाई मंथ में ही डिक्लेयर कर देगा सीबीएसई, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब जो 50% सिलेबस में है उसमें आपका 90 मिनट का एमसीक्यू होगा, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो गाइस, जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे केस बेस्ड, रीजनिंग और असर्शन टाइप। तो यहाँ पे उन्होंने टाइप भी मेंशन किया है जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और वो सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स, और आपको इससे भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट यू शुड नो दैट व्हाट इज़ द पेपर पैटर्न। सो क्वेश्चन पेपर खुद सीबीएसई देने वाला है, और आपका जो पेपर पैटर्न होगा वो आइदर स्कूल में होगा या फिर सेंटर अलॉट होंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। एक्सटर्नल्स भी होंगे वहाँ पे, ताकि जो भी एग्जामिनेशन है वो फेयर तरीके से हो पाए। नाउ ये आपका हो गया टर्म वन। टर्म टू का जो डेट्स हैं वो है मार्च अप्रैल 2022, उसमें भी सेम 50% सिलेबस है, बट वो एग्जामिनेशन आपका होगा 2 आवर का सब्जेक्टिव। उसमें होगा आपका केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो गाइस, अगर सिचुएशन सही रहती है तो आपका 2 आवर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम, अगर सिचुएशन सही होती है तो आपका 2 आवर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा टर्म टू में, और 50% सिलेबस होगा, 50% ही सब कुछ उसमें वेटेज होगा। बट अगर सिचुएशन नहीं होती है तो वो आपका 90 मिनट एमसीक्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। सो गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आपका जो असेसमेंट, आपका जो रिजल्ट क्राइटेरिया होगा वो किस पर डिपेंड करेगा। सो फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं, अगर सारी कंडीशंस नॉर्मल होती हैं तो आपके जो टर्म वन है और जो टर्म टू है दोनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और थ्योरी मार्क्स इक्वली कैलकुलेट होंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन अगर हम देखें, अगर मान लो टर्म वन आपका नहीं हो पाता है अच्छे से, और टर्म टू आप ऑफलाइन स्कूल या सेंटर में एग्ज़ाम दे पाते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन टर्म वन ऑनलाइन ऑफलाइन होगी होम से, बट उसका वेटेज रिड्यूस कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल 20% दे दिया या फिर उसका 80% दे दिया, वो डिपेंड करता है, बट वेटेज जो होगा टर्म वन का वो रिड्यूस कर दिया जाएगा ओवरऑल रिजल्ट में। नाउ थर्ड केस, कंप्लीट क्लोजर ड्यूरिंग टर्म टू, नॉट इन टर्म वन। टर्म वन जैसा आपका स्पेशल स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जामिनेशन हो जाते हैं, बट टर्म टू के टाइम पे आपके एग्जामिनेशन नहीं हो पाते हैं, तो जो आपका टर्म वन का होगा उसका मोर वेटेज दिया जाएगा उसको, प्लस आपके जो इंटरनल असेसमेंट्स हैं वो भी इसमें वेटेज रखेंगे। नाउ सपोज आपके दोनों एग्जाम सही से नहीं हो पाते हैं, देन टर्म वन, टर्म टू प्रैक्टिकल्स, इंटरनल असेसमेंट्स, 11, 12 के जो भी आपके यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन होंगे, जो भी इंटरनल असेसमेंट में काउंट करता है स्कूल, वो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो फाइनल रिजल्ट होगी, फाइनल मार्कशीट होगी, वो डिक्लेयर होगी। ओवरऑल स्पेशल स्कीम से आप यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं फिलहाल, कि आपको इंटरनल असेसमेंट्स पे बहुत फोकस रखना है, आपको अपने आप पे एनालाइज करना है आपके मार्किंग स्किल्स। स्कूल भी डेटा बहुत अच्छे से बनाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर इंटरनल असेसमेंट एज वेल। सो गाइस, दिस वॉज फॉर टूडेज वीडियो। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सॉल्यूशंस एट ग्लांस। इट्स बाय फॉर नाउ।